क्या गा रहे हो? गाओ, अभी गाओ। अरे वो गाना आ गया। फिर से गाओ। तो बार में भी आकर के पछताया वो गाना। नहीं नहीं, आप कौन सी लाइन गा रहे थे वापस? नागिन जैसी जुल्फें थी अब पूरी नागिन वो। बताओ। देखो ये होता है। पहले दिन जब अगले दिन छुट्टी थी तो हाय मुझे मेरे बच्चे के साथ टाइम नहीं मिलता, मैं ड्राइव पे लेके जा रहा हूँ। आज दूसरे दिन की छुट्टी तो नागिन जैसी जुल्फें थी और पूरी नागिन। तो आज भी जनाब की छुट्टी है। हाय गाइस, मैं हूं दीपिका लकड़ी इब्राहिम, वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। तो आज जनाब के छुट्टी हो गई तो आज दूसरी छुट्टी है तो इन्हें हम नागिन दिखे। नहीं बस चिल कर रहे हैं, बैठे हैं और आज मैं फाइनली मेथी चिकन बनाने वाली हूँ। एक्चुअली जब मैं और अनुषा डेला गए थे, मैंने शोर को वहाँ से फ़ोन करके बताया था कि वहाँ पे हमने मेथी चिकन खाया था और वो इतना ज़्यादा अमेजिंग था कि उस दिन से वो मेरे जहन में बसा हुआ है। हालांकि वैसा तो नहीं बन पाएगा, वो तो बहुत ही अच्छा था, उसकी रेसिपी भी मुझे नहीं पता, पर चलो हम कुछ नियर बाय क्रैक करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अभी थोड़ी देर में उठते हैं, वो बनाते हैं। और आप क्या करेंगे? मैं थोड़ी देर अभी आराम करूंगा, जिम जाएंगे। आज कल भी गए थे, कल रात को भी खा लिया, कल ज़्यादा नहीं खाया, लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं खाया, कल रात को ज़्यादा नहीं खाया। आप चिकन खाओगे? नहीं, आज अपना कबाब। ठीक है, हम आपकी डाइट अब नहीं तोड़ेंगे कि अब हम भी चाहते हैं कि आप इससे और बेटर शेप में हों। वहाँ पे अम्मी को एग्जॉस्ट लगाना है और उनको वो कबर्ड नहीं चाहिए क्योंकि उनको वहाँ पे वॉशिंग मशीन रखनी है। नीचे तक आ जाएगा, ये भी थोड़ा टूट के थोड़ा सा बड़ा होगा। सो एज एवरी डे टाइम टू ईट फ्रूट्स। देखो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बाहर का जंक भी खा रही हूँ, अभी मन करता है तो मैं मंगा के खाती हूँ, लेकिन मैं हेल्दी चीज़ें भी अपनी डाइट में इंक्लूड करूँ। तो इसलिए मैं रोज़ एक प्लेट भर के फ्रूट्स, खजूर, बादाम, गुड गर्ल की तरह दूध, गुड गर्ल की तरह सब खा रही हूँ। कट, हमेशा से हम इतने सुधरे रहते हैं ना। चलो कोई नहीं, हेल्थ के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताती हूँ, आप वो देखो, उसके बाद मिलते हैं। सो अपनी हेल्थ मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। और हेल्थ मेंटेन रखने के लिए ना आपकी डाइट में जितने भी रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो आपकी बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है। एंड जो हमारी रोज़ाना की डाइट होती है ना, अगर वो हम अच्छे से भी ले लें तो भी हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। इसीलिए जैसा कि हम हमेशा आपको कहते हैं कि आपके डाइट में सप्लीमेंट्स ऐड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो, वरना आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप अच्छे से खाना भी खा रहे हो, उसके बाद भी आपको एनर्जी लो फील होगी, बहुत थकान होगी, मसल पेन, बैक एक, ये सब होगा। और ये सब क्यों होता है? विटामिन एंड मिनरल्स की कमी की वजह से, एंड स्पेशली कैल्शियम की कमी की वजह से। आज जो मैं इजी से सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये है एनवेदा की मल्टीविटामिन। इसमें है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D3 एंड विटामिन B12 इन द करेक्ट अमाउंट। और आपको क्या करना है, बस आपको एक टैबलेट लेनी है एक दिन में, और ये जो है ना ये आप अपने घर के एल्डरली लोगों को भी दे सकते हैं। क्या होता है ना, जैसे जैसे हम एज में बढ़ते हैं हमारी बॉडी में इन विटामिन्स एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, इसीलिए इन्हें सप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन D3 ना करेक्ट कॉम्पोजिशन में बहुत जरूरी है हमारे हेल्दी बोन्स के लिए, मसल्स के लिए एंड जॉइंट्स के लिए। और इसके साथ साथ ये हमारा हेयर फॉल भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं एंड ड्राई स्किन को भी इम्प्रूव करते हैं। और इन टैबलेट्स में जिंक और मैग्नीशियम भी है ऑप्टिमल क्वांटिटी में, और ये मिनरल्स ना हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, एंड साथ ही साथ जो टायर्डनेस और फटीग हम फील करते हैं ना उसे बहुत कम करते हैं। एंड आपको पता है कैल्शियम एंड विटामिन B12 बहुत हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के ब्लड एंड नर्व सेल्स को हेल्दी रखने में। एंड इसके साथ ही कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेंटेनिंग गुड स्किन एंड हेयर।
कैल्शियम प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ एंड इम्प्रूव करता है हमारी हेयर डेंसिटी बाय रिड्यूसिंग द हेयर लॉस एंड इसके साथ ही साथ कैल्शियम हेल्प्स इन प्रिजर्विंग आवर स्किन ग्लो. और क्योंकि आपको दिन में सिर्फ एक ही टैबलेट लेनी है इसलिए ये जो दो का पैक है ना ये चार महीने चलेगा बिकॉज वन बॉटल कंटेन्स 60 टैबलेट्स. सो द प्राइस फॉर दिस वन बॉटल इज ₹255 और अगर आप ये पैक परचेज कर रहे हैं तो आपको दो बॉटल्स मिलेंगी 425 की. एंड एनवेदा की वेबसाइट पे एडिशनल 10% डिस्काउंट भी है और वेबसाइट पे जरूर जाइए टू फाइंड आउट मोर इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स. ओके सो मेरा फर्स्ट रेसिपी व्लॉग फ्रॉम माय न्यू किचन तो आ गई हूं मैं. मैंने थोड़ी थोड़ी तैयारियां कर ली हैं. जैसे यहाँ पे मैंने 8 प्याज छील के रखे हैं, ये मेथी छोटी छोटी तोड़ के धो के रख ली है और मैंने आज मैं ये वाला चिकन यूज कर रही हूँ, चिकन ब्रेस्ट बोनलेस वाला. तो मैंने 4 पैकेट ले लिए तो लगभग 2 केजीज हो जाता है, थोड़ा 19-20 रहता है. तो उस हिसाब से हम बनाएंगे. तो सबसे पहले प्याज को लंबा लंबा चॉप कर लेंगे और उसके बाद मैं जैसे जैसे बनाती जाऊंगी वैसे वैसे बताती जाऊंगी. मैंने स्लाइस कर लिए हैं सारे अनियन. अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल. और हमें प्रॉपर गोल्डन फ्राई करने हैं अपने अनियन. तो एक बार ये गर्म हो जाए फिर हम सारे अनियन इसमें डाल देंगे. देखिए मैं इसे अपने स्टाइल से बना रही हूं. अब मुझे नहीं पता ऑथेंटिक जो मेथी चिकन बनता है, मैंने काफी सारे वीडियो देखे ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे मजा नहीं आया. तो इसलिए जैसा जो जो मैं खा के आई हूं जो इंप्रेशन मेरे दिमाग में बैठा हुआ है तो मैं अपने स्टाइल से कुछ क्रैक करने की कोशिश कर रही हूं और देखते हैं कैसा निकलता है. तो अभी हम फिलहाल इसको पूरा गोल्डन ब्राउन करेंगे जिसमें थोड़ा वक्त जाएगा और उसके बाद फिर मिलते हैं. सो ये देखिए अनियंस जो है अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं एंड अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ चिकन. सो एक बार हम सारा कटा हुआ चिकन इसमें डाल देंगे उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है और भूनना है. तो ये चिकन मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसे थोड़ी देर भूनेंगे. जैसे आप अभी देख सकते हैं ये देखिए ये अनियन का हल्का हल्का ब्राउन कलर चिकन पे आने लगा है. बस इसी तरह हम इसे थोड़ी और देर रोस्ट करेंगे ना तो चिकन एकदम अच्छे से भून जाएगा. एक्चुअली मे बी हाफ अ मिनट मोर. फिर पहले हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे उसके बाद इसको भूनेंगे. अप्रॉक्सीमेटली 5-7 मिनट्स तक इसे भूनने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट. ये मैंने डाला है 3-4 बड़े चम्मच भर के क्योंकि फ्लेवर तो अदरक लहसुन से ही आता है ना. एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ अभी इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो पूरी तरह से चली ना जाए. एंड फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च. आपको अमाउंट बढ़ाना है, ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं. ये देखिए जैसे मैंने आपको बोला था ना ये पूरा ब्राउन हो जाएगा तो ये आप देख सकते हो हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है. इसे लो फ्लेम पे थोड़ी देर और भूनने देंगे. तब तक ये मैंने टमाटर काट लिए, मैंने 4 टमाटर लिए हैं, इनको हम एकदम प्यूरी बना लेंगे. ये देखिए एकदम अच्छे से हमारा जो चिकन और मसाला है वो भून गया है और मसाले ने ना तेल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है. मतलब अभी हम इसमें अपनी स्पाइसेस डाल सकते हैं. और ये यहाँ पे मम्मी भी वापस आ गई हैं और आज एकदम थकी हुई है और फुल नींद में. बहुत थक गई. कोई बात नहीं, आराम करो अच्छे से. सो अभी इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी नमक, फिर मैं डालूंगी थोड़ा सा चिकन मसाला और फिर बाद में जब पूरी हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी तो लास्ट में हम ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे. फिलहाल क्योंकि मैं उसको बहुत तीखा नहीं बनाना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे तीखा खाना ना बिल्कुल सूट नहीं होता है, इसलिए मैंने मिर्च भी कम डाली है. आपको हरी मिर्च ज़्यादा डालनी है तो आप बढ़ा सकते हो और अगर आपको लाल मिर्च डालनी है तो इस पॉइंट पे आप नमक, लाल मिर्च, चिकन मसाला तीनों डाल सकते हो. और ये सबसे पहले मैं डाल रही हूँ चिकन मसाला. मैं एवरेस्ट का चिकन मसाला यूज़ कर रही हूँ. आपके पास घर पे जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हो. सो ये कम से कम 2-3 चम्मच भर के.
एंड फिर हम डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। मैं फ़िलहाल डाल रही हूँ 1.5 चम्मच। इसके बाद लास्ट में टेस्ट करके डिसाइड करूँगी कि और डालना है या नहीं डालना है। अब ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए इसमें मसाले। अब मैं इसमें डालूंगी ये है 4 टमाटर जो मैंने कटे हुए आपको दिखाए थे, उसकी प्यूरी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ये हम तब तक कुक करेंगे जब तक टमाटर अच्छे से पक ना जाए, और उसके बाद हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। वाह माशाल्लाह, क्या कलर आया है ये देखिए, मस्त हमारा चिकन एकदम भून गया है। सो वो जो मैंने आपको मेथी दिखाई थी वो इसमें थी, और ये एक और बंडल दीदी ने छील के रखा था, पर ये मैं यूज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतनी मेथी डालूंगी। तो ये देखिए मैंने रफली चॉप कर ली है और अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी हमारी चिकन में। चलिए अभी इस मेथी को ना मैं इसमें अच्छे से कुक होने दूंगी। ढकने की जरूरत वैसे नहीं, आप चाहें तो 2-5 मिनट ढक सकते हैं, नहीं ढकेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद जब मेथी का कलर चेंज होगा ना, हल्का सा डार्क ग्रीन हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि इट्स कुक्ड। एंड टोटली योर चॉइस, अगर आपको मेथी ज्यादा चाहिए तो आप थोड़ी और मेथी इसमें डाल सकते हैं, अगर आपको इससे कम रखनी है तो कम भी कर सकते हो। मेथी चिकन में यूजली हर किसी के चॉइस पे डिपेंड करता है, कुछ लोग ग्रेवी ज़्यादा रख के मेथी कम रखते हैं और कुछ लोग मेथी ज़्यादा रखते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको मैं थोड़ा पकने देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें अपना लास्ट इंग्रेडिएंट डालूंगी। ये देखिए, तो मैंने आपको तो बहुत खुशबू अच्छा रही ना, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको ढकूंगी, क्योंकि मैंने आपको भी ऑप्शन दिया था कि आप चाहो तो ढक सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं ढक सकते हो। तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पे, मतलब मैंने इसे बड़ी फ्लेम से छोटी फ्लेम पे शिफ्ट करके एकदम धीमी आंच पे जो है वो ढक दिया, और इतनी माइंड ब्लोइंग खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ जो बना है फिलहाल अब तक। और अब इसमें हमें 2 चीज़ें डालनी हैं। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इसका सॉल्ट, और फिर डिपेंडिंग अपॉन कम है ठीक है क्या है, फिर हम इसमें डालेंगे अमूल फ्रेश क्रीम। उसके बाद इसमें हम डालेंगे सॉल्ट इफ रिक्वायर्ड, इफ नॉट रिक्वायर्ड देन ग्रेट, एंड देन लास्ट में बंद करने से जस्ट पहले हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। बिल्कुल परफेक्ट है सॉल्ट, लेकिन मुझे लगता है जब क्रीम आएगी तो हल्का सा सॉल्ट कम हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्रीम एक मिठास लेके आती है आपके डिश में, और जो सॉल्ट है वो हल्का सा कम हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी। लेकिन अगेन अभी सबसे पहले इसमें डालते हैं हम क्रीम। ये मैं अंदाजे से इसमें क्रीम डाल रही हूँ, आई थिंक 1/4 to 1/2 कप के बीच में कुछ भी आप डाल सकते हैं इतने सारे चिकन के लिए, क्योंकि एकदम ब्लैंड भी नहीं करना है या एकदम वाइट भी नहीं करना है, हमारी डिश का कलर ऐसे ही मेंटेन होना चाहिए। सो ये हम इसे मिक्स कर लेंगे। हाँ ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, और अब एकदम धीमी फ्लेम पे है, और लास्ट में बस इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा, एंड एकदम थोड़ा सा नमक। That's it. तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। You know, अब इस पॉइंट पे अगर आपको इतनी थिक ग्रेवी नहीं चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा इसे हल्का सा पतला करना है, तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं करूं या नहीं करूं मैं कॉन्टेम्पलेट कर रही हूं। आई थिंक 1/2 कप वाटर इन दिस शुड बी गुड, सो लेट्स ऐड 1/2 कप ऑफ वाटर। सो चलिए हमारा मेथी चिकन तो पूरा रेडी हो गया है, बस अब ये जो ग्रेवी है ये बहुत ज़्यादा थिक बनी है, तो मुझे इसे पतला करना है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इसलिए मैंने ये हाफ से एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा पानी ले लिया है। इसमें से भी मैं बहुत थोड़ा डालूंगी, ये देखिए दैट्स इट, इतना छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और ये बहुत जल्दी पक जाएगा बिकॉज बहुत कम पानी है, और आपकी पूरी ग्रेवी जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी है, तो इसे स्टर करके कुक करके बंद करेंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए हमने जो ऊपर से पानी डाला है ना, अब इसे हमें अच्छे से कुक होने देना है ताकि वो रच जाए। डाल दिया मैंने अपने मेथी चिकन में पानी, और थोड़ी देर के लिए एकदम धीमी आंच पे मैंने उसे छोड़ दिया है।
अब एक क्विक टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो शुरुआत में जब मैंने इनिशियली कुकिंग करना स्टार्ट किया था ना, तो काफ़ी समय मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी, शायद मुझ में उतनी कॉमन सेंस नहीं थी उस वक्त तो आप में से कईयों को ऑलरेडी ये बात पता होगी, बट जब भी आप क्रीम ऐसे डब्बे से खोल के डायरेक्ट अपनी ग्रेवी में डालते हो, तो बी वेरी केयरफुल टू मिक्स इट वेल, क्योंकि जब आप क्रीम खोलते हो ना, तो उसका एक थिक जो क्रीम का पोर्शन है वो अलग होता है, और एक वाटरी लिक्विड अलग होता है, तो अगर बिना मिक्स किए हम खोल के पोर करते हैं तो इमिडिएटली वो लिक्विड मतलब पानी ही बाहर आता है और क्रीम नीचे ही रह जाती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से सील्ड में ही या ढक्कन बंद में अच्छे से मिक्स कर लें, या फिर एक कटोरी में निकाल लें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन दैट थिक क्रीम, एंड जो आपको मलाईदार फ्लेवर चाहिए वो भी आपको मिले. सो इस चीज़ का ध्यान रखना. और सबसे पहले मेरे हाथ का मेथी चिकन खाने वाले कैंडिडेट हैं देव भैया तो अभी आप खा के बताओगे कैसा बना है, ठीक है? आपके हिसाब से तीखा कम होगा, वो तो देव भैया को हमारे घर पे आदत हो गई है कि हमारे घर पे कम तीखा खाना बनता है, तो वो साथ के अपनी हरी मिर्च ले लेते हैं, है ना? कैसा लगा? बहुत अच्छा है. सही बना है? सच में बहुत अच्छा है. पक्का? बहुत टेस्टी बना. अच्छा बना है. आते ही मुझे चिकन मिल गया, और क्या चाहिए दीपिका के हाथ का बहुत ही स्वाद बना है. मेथी का तो इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, कड़वापन तो नहीं है ना मेथी का? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बहुत ही टेस्टी है. गुड. बहुत यम बना है, बहुत 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 अमेजिंग बना है. और मुझे ना आज इस रेसिपी को बनाने के बाद एक बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन ये मिल रही है कि मैंने कुछ खाया, मुझे पसंद आया, मैंने उसे सोचा कि अच्छे से कैसे बनाया जाए, एंड आई वुडन्ट से दैट आई क्रैक्ड इट, दैट वाज वेरी डिलिशियस, बट दिस इज़ वेरी क्लोज, और ये बहुत ही ज़्यादा यम बना है, बहुत ही ज़्यादा. आप लोग भी ऐसा करते होंगे ना कि कहीं अगर आप गए, आपको कुछ अच्छा लगा तो सोचो कि वो कैसे बना होगा, और वो डिश अचीव करने का फिर मज़ा ही कुछ और है ना. सो आज बहुत मज़ा आया, और चलिए मैं खाती हूँ, बाद में मिलती हूँ आपसे. पापा आपने खाया मेथी चिकन? अच्छा लगा? ठीक. और आज शोएब भी सेट पे मेथी चिकन लेके गए, तो उनका भी फोन आया था कि डिप्पी बहुत ही अच्छा बना है. सो यस, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सैटिस्फाइड, ये मैंने आपको कल भी बोला. और ये व्लॉग मैं अभी यही खत्म कर रही हूँ. कल रात को मैंने खाया और फिर मैं और मम्मी टीवी देखते देखते मैं सो गई, मैंने कुछ शूट नहीं किया. तो आप प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनी, और आई थिंक काफ़ी सिंपल है ना, है ना? सो ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी. और इस व्लॉग को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. लव यू ऑल.